हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल कैप्सूल के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन, यानी अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। नो लोड पे जो वोल्टेज होगा उसको हम एक बार देखेंगे, और एक बार फुल लोड पे लगाएंगे उसको वोल्टेज देंगे। इसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ये जो होता है ई जीरो माइनस वी अपान वी इंटू 100% होता है। ये परसेंटेज में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करते हैं। यहाँ पे जो ई जीरो है वो नो लोड का वोल्टेज है, और जो वी है वो लोड का वोल्टेज है। तो हम सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन को देखेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा यहाँ पे अल्टरनेटर पे, वो लोड और पावर फैक्टर दोनों पे डिपेंड करेगा हमारा। तो सबसे पहला हम एक्साइटेशन को भी देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। सपोज पहला केस जो है, अगर हमारा अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेशन का अगर केस है हमारा, तो अंडर एक्साइटेशन के केस में जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग की तरीके बिहेव करेगा हमारा अल्टरनेटर में। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि अभी रोटर में जो हम डीसी की सप्लाई देते हैं, अगर उसको हम लोग अंडर एक्साइटेड कर दें तो उसका जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो लीडिंग हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो इस केस में अंडर एक्साइटेड करने पे जो हमारा ये अंडर एक्साइटेड करने से जो हमारा वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू होगी हमारी अंडर एक्साइटेड में, तो अंडर एक्साइटेड जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे रोटर में फील्ड की करंट होती, अगर उसको आप कम देंगे तो उसके कारण जो हमारा फ्लक्स रोटर में डेवलप हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, और जो फ्लक्स जो होता है वो हमारे इस स्टेटर में जो नो लोड पे जो ईएमएफ है उसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे हम रोटर के फील्ड यानी अंडर एक्साइटेड करेंगे तो हमारा ये जो है ई जीरो ये कम हो जाएगा। ई जीरो यहाँ पे अंडर एक्साइटेड के केस में कम हो जाएगा, और यहाँ हमने देखा कि लोड का जो पावर फैक्टर वो लीडिंग कर रहा था, तो लीडिंग के केस में हमारा जो टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अब देखिए ई जो है कम हो रहा है, वी जो है बढ़ रहा है। सपोज मान लीजिए ई जो है 5 है और वी क्या है 7 है, तो इस केस में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू टोटल आएगी निगेटिव, यानी अंडर एक्साइटेड के केस में जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो माइनस होगा। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमारा वो कम से कम हो या फिर माइनस हो, तो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल माइनस ही होता है। तो पहला केस था हमारा, यदि अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेड किया जाए, यानी फील्ड की करंट को कम किया जाए हमारे रोटर में, तो हमारा टोटल फ्लक्स डाउन हो जाएगा, नो लोड पे जो ईएमएफ है वो कम हो जाएगा, और तो नो लोड का ईएमएफ कम हो जाएगा जिससे हमारा पावर फैक्टर लीडिंग कर रहा था, तो पावर फैक्टर लीडिंग करने का टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो जो ओवरऑल वोल्टेज का रेगुलेशन है वो माइनस हो जाएगा। अब दूसरा जो केस होता है वो हमारा लीडिंग का केस होता है, यानी ओवर एक्साइटेड कर दिया जाए। तो ओवर एक्साइटेड के केस में अब जो हमारा पावर फैक्टर हो जो होगा वो लैगिंग का बिहेवियर होगा हमारे अल्टरनेटर में। तो ओवर एक्साइटेड कर देंगे तो इस केस में हमारा ई जीरो जो है वो बढ़ जाएगा, और जो पावर फैक्टर लैगिंग हो रहा था उसका टर्मिनल वोल्टेज अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ई अब बढ़ रहा है और वी कम हो रहा है, यानी ई बढ़ने का मतलब अगर ये 7 है और ये 5 है, तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी प्लस में आएगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ओवर एक्साइटेड या लैगिंग पावर फैक्टर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव रखता है, यानी बहुत ही ज़्यादा रखता है। तो ये कंडीशन हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि अंडर एक्साइटेड हो या लीडिंग पावर फैक्टर हो अल्टरनेटर में, ताकि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो माइनस मिल सके। प्लस जो है वोल्टेज रेगुलेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इस केस को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इस केस में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। इसमें भी ज़्यादा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन नहीं वेरी करता है, यानी रजिस्ट्री के केस में। तो लोड का जो पावर फैक्टर अगर यूनिटी है, तो उस केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन का वेरिएशन है 10 से 15% तक वेरी करेगा हमारा, और सबसे ज़्यादा वैरी ओवर एक्साइटेड या लैगिंग पावर फैक्टर पे हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन वैरी करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है, इस केस में ये लगभग 35-37% तक ही वैरी कर जाता है, तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम हमेशा चाहेंगे कि कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन हो। तो वोल्टेज रेगुलेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई मतलब मान नहीं होता है इसका, और ये जो होता है ये अर्थमेटिकल डिफरेंस होता है, वोल्टेज रेगुलेशन है, ये फेजर डिफरेंस नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो ये लोड की करंट और ये टर्मिनल वोल्टेज के बीच इसका ग्राफ खींचा जाता है। ये जो है यूनिटी पावर फैक्टर को दिखाएगा, और ये जो है हमारा लैगिंग को दिखाएगा, और जो ये है हमारा लीडिंग को दिखाएगा। तो लीडिंग के केस में हम देख रहे हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम वैरी कर रहा है, यूनिटी के केस में तो बहुत ही ज़्यादा कम वैरी कर रहा है,
और लैगिंग के केस में देखिए बहुत ही ज़्यादा कम करे, मतलब ज़्यादा वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज का जो रेगुलेशन है बहुत ही कम होगा, टर्मिनल का वोल्टेज। तो ये था पूरा अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करें, और वीडियो को सर्च करने के लिए यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल कैप्सूल डाल के सर्च करें। आई होप थैंक्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।